तो गाइस देख सकते हैं जैसे मैंने स्विच को ऑन किया है वैसे ही हमारा एलईडी जो कॉप चिप है गाइस वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ग्लो कर रहा है गाइस, यानी गाइस हमारा सर्किट सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। हेलो गाइस, इंडियन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 220 वोल्ट एसी टू 12 वोल्ट डीसी एलईडी लाइट ड्राइवर सर्किट बनाकर दिखाने वाला हूँ। गाइस इस सर्किट से आप कोई भी एलईडी लाइट विदाउट ट्रांसफार्मर आराम से इसे चला सकते हो। गाइस इस सर्किट को कैसे बनाना है फुल डिटेल्स में इस वीडियो में मैंने बताया, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए जल्दी से इस सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस 220 वोल्ट एसी टू 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर सर्किट बनाने के लिए मैं इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करने वाला हूँ गैस। इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, 30 रुपीज़ का एक रेक्टिफायर ब्रिज मुझे मिला है गैस। इसके बाद गैस आपको 105J 450 वोल्ट का एक कैपेसिटर ले लेना है और कैपेसिटर का जो एक पॉइंट है गैस हमारा जो गैस ब्रिज रेक्टिफायर है उसका जो एसी का एक पॉइंट है उस पर इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है गैस। इसके बाद गैस आपको 1 मेगा ओम का एक रजिस्टर ले लेना है और जो हमारे कैपेसिटर है उनके दोनों पॉइंट पर इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है गैस। इसके बाद गैस आपको एक 220 ओम 1 वाट का रजिस्टर ले लेना है और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसका एसी का एक पॉइंट है वहाँ पर इसको शोल्डिंग कर देना है गाइस। इसके बाद गैस आपको इस तरह का एक 100K का रजिस्टर ले लेना है और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका जो माइनस पॉइंट है गाइस उस पर इसको शोल्डिंग कर देना है गाइस। तो गैस देख सकते हैं हमारे कनेक्शन अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसमें और भी कंपोनेंट्स लगाने हैं गैस, अब देख लीजिए किस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। बहुत इजी कनेक्शन है गैस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजीली आप इस वीडियो को देख के घर पर बना सकते हो गैस। ये है एसी इनपुट गैस और यहाँ से हमें 12 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलेगा, लेकिन गैस यहाँ पर हमें और भी कंपोनेंट यहाँ पे शोल्डिंग करने हैं तो चलिए फटाफट उनको भी हम शोल्डिंग कर देते हैं। इसके बाद गैस आपको इस तरह का एक जीनर डायोड ले लेना है और डायोड का जो पॉजिटिव पॉइंट है गैस कैथोड साइड जो है ये इसका एनोड साइड है गैस नेगेटिव पॉइंट और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कैथोड साइड। तो गैस ये पॉजिटिव पॉइंट जो है जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसके पॉजिटिव पॉइंट पर इसको शोल्डिंग कर देना है गैस और जिसका जो नेगेटिव पॉइंट है गैस जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसका नेगेटिव पॉइंट पर इस तरह से इसको शोल्डिंग कर देना है गैस। इसके बाद गैस आपको 4.7 UF 250 वोल्ट का कैपेसिटर ले लेना है और गैस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है देख सकते हैं यहाँ पे पट्टी है गैस व्हाइट कलर की, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये वाला साइड गैस इसका पॉजिटिव पॉइंट है। गैस ये जो नेगेटिव पॉइंट है गैस जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसका नेगेटिव पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है गैस, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है गैस हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके पॉजिटिव पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है गैस। तो गैस देख सकते हैं हमारा सर्किट अभी बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं गैस किस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। बहुत इजी कनेक्शन है गैस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजीली आप इस वीडियो को देखिए घर पर बना सकते हो। ये सर्किट बनाते वक्त आपको कोई भी इश्यू आता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो गैस, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए गैस फटाफट अभी ये जो एसी इनपुट है यहाँ पर एक वायर लीड कनेक्ट कर लेते हैं और गैस जो हमारा डीसी आउटपुट है जो 12 वोल्ट यहाँ से आउटपुट आने वाला है उसके लिए भी हम यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ऐसे इनपुट पर मैंने एक वायर लीड कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह का कुछ वायर लीड है, ये 2 पिन वायर लीड है। तो चलिए गाइस अभी डीसी जो आउटपुट आएगा यहाँ से देख सकते हैं
इस साइड से हमारा 12 वोल्ट डीसी आउटपुट आएगा। तो चलिए गाइस जल्दी से यहाँ पर भी दो वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं। गाइस इसमें जो रहता है प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहता है गाइस, एसी में आप कौन सा भी वायर कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन इस साइड में हमारा प्लस माइनस रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लिखा है, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उस पर ही लिखा है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर वायर शॉर्टिंग करनी है गाइस। तो चलिए फटाफट इनको भी मैं शॉर्टिंग कर देता हूँ। अभी गाइस हमारा सर्किट पूरी तरह से रेडी हो चुका है यूज़ के लिए। देख सकते हैं गाइस किस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए हैं, बहुत इजी कनेक्शन है गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए गाइस इस वीडियो को देखकर आप इसे घर पर बना सकते हो। एक बात ध्यान में रखिए गाइस, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है गाइस, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर 220 वोल्ट एसी आएगा गाइस, इसकी वजह से आपको बहुत ज़बरदस्त शॉक लग सकता है। ये अपने रिस्क पर आप कर सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस जल्दी से फटाफट हमारा जो सर्किट है उसको चेक कर लेते हैं, हमारा सर्किट काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस देख सकते हैं टू पिन को मैंने स्विच बोर्ड में लगा दिया है। जैसे मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूँगा गाइस, वैसे यहाँ से सप्लाई ऑन हो जाएगा गाइस। एक बात आपको ध्यान में रखनी है गाइस, आपको यहाँ पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट एसी इनपुट आता है गाइस, तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शॉक लग सकता है गाइस, तो ये अपने रिस्क पर आप कर सकते हो। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं इसका आउटपुट वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, आउटपुट में इसका कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए मैं स्विच को अभी यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं स्विच को मैंने ऑन कर दिया, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं मल्टीमीटर में 12 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है गाइस, प्रॉपर 12 वोल्ट है, यानी कि हमारा सर्किट सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। तो चलिए गाइस जल्दी से यहाँ पर एलईडी लाइट वगैरह कनेक्ट करके देखते हैं, जो 12 वोल्ट ऑपरेटेड एलईडी लाइट्स होते हैं, एलईडी कॉप चिप, उसको कनेक्ट करके देखते हैं वो ऑन हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो गाइस देख सकते हैं डीसी आउटपुट पे मैंने एक 12 वोल्ट का एलईडी कॉप चिप यहाँ पे शोल्डिंग कर दिया है। चलिए गाइस स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा जो सर्किट है इस एलईडी कॉप चिप को ऑन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो चलिए मैं स्विच को अभी यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जैसे मैंने स्विच को ऑन किया है वैसे ही हमारा एलईडी जो कॉप चिप है गाइस वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ग्लो कर रहा है गाइस, यानी गाइस हमारा सर्किट सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। गाइस आपको एक बात ध्यान में रखनी है गाइस, आपको यहाँ पर हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पे डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी इनपुट आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त शॉक लग सकता है, या आप अपने रिस्क पर कर सकते हो गाइस। गाइस ये सर्किट बनाते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो, कोई भी परेशानी होती हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस, उस कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और गाइस इस प्रोजेक्ट रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट का भी मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। ये एलईडी लाइट ड्राइवर सर्किट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और गाइस ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज में हमेशा आपके लिए लाते रहता हूं। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।